वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो गाइस अपना आज इम्पोर्टेंट वीडियो है इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। बिकॉज इंटरव्यू क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से मार्केट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं और एक्सपीरियंस के लिए भी 1 to 2 years, 3 years, 4 years एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब अवेलेबल है और फ्रेशर्स के लिए भी इंटर्नशिप और जॉब्स अवेलेबल हो रही हैं अभी कुछ दिनों से। तो इंटरव्यू क्वेश्चन इसी बेस पे मैं वीडियो लाया हूँ गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हाई रेज बिल्डिंग की छोटे बंगलोस की वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रैक्टिकल मिलते ही रहेगा और इसी तरीके का आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन अभी है जो टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वो जाके चेक कर सकते हैं। माई वन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है, लिंक्स है वीडियोस के, वो जाके चेक कर सकते हैं तो पूरा आपको प्रिपेयर हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। आईएस कोड मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है द क्वेश्चन। उसका आंसर क्या है आप आईएस 10262 2009 आप यूज कर सकते हैं मिक्स डिजाइन के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपना है एडमिक्सचर के ऊपर दो क्वेश्चन। एक एडमिक्सचर क्या है और यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो एडमिक्सचर एक केमिकल है गाइस जो कंक्रीट में यूज होता है। उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है पहला। दूसरा वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है वो, मतलब आपका अगर 100 लीटर पानी है ठीक है तो उसका अप टू 30% वाटर को वो रिड्यूस कर देता है। मतलब 30 लीटर आपका 1 m³ में 30 लीटर आपका रिड्यूस कर देगा अगर आप एडमिक्सचर उसके अंदर डालेंगे कंक्रीट के अंदर। तो क्या परसेंटेज के हिसाब से और कैसे डाला जाता है एडमिक्सचर, तो एडमिक्सचर का एक ट्रायल होता है जो कंक्रीट जिस पे पास होता है, जो रिक्वायरमेंट रहता है जिस पे पास होता है एडमिक्सचर, तो उस पे एक वीडियो लाऊंगा ट्रायल मिक्स पे अभी जब भी मौका मिला। तो अभी एडमिक्सचर 0.8 to 1.4% ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल, मतलब अगर आपका 100 किलो सीमेंट है 1 m³ के अंदर तो 100 किलो सीमेंट का 0.8 to 1.4% जो रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल होता है, आपका 0.8 भी डाल सकते हो 0.9 भी डाल सकते हो, तो जो हिसाब से ये रेंज है जो हिसाब का आपका कंक्रीट पास होता है ये रेंज है। बट तीसरा क्वेश्चन गाइस कंक्रीट के ऊपर है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीटिंग प्रोसेस में वेरियस स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला अपना बैचिंग है, देन मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टेशिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, चौथा अपना है कॉम्पैक्टिंग। तो ये हो गया अपना चार क्वेश्चन। अभी पांचवे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एज पर क्या है यूनिट ऑफ कंक्रीट, तो दो है गाइस। एक एज पर आईएस 456/2000 आपको इसका अकॉर्डिंग बनाना है कि एज पर आईएस 2000 के अकॉर्डिंग पीसीसी जो प्लेन कंक्रीट है उसका 24 किलो न्यूटन पर m³ है और रिन्फोर्स कंक्रीट आरसीसी उसका है 25 किलो न्यूटन पर m³। ठीक है, एक रिन्फोर्समेंट का भी क्वेश्चन ले लीजिए। रिन्फोर्समेंट जो प्री स्ट्रेसिंग में रिन्फोर्समेंट है वो क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या टाइप होता है, प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग रिइंफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, जनरल रिइंफोर्समेंट की बात नहीं है गाइस। तो उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्पॉलिंग रिइंफोर्समेंट, स्पेलिंग रिइंफोर्समेंट, इक्विलिब्रियम रिइंफोर्समेंट और बस्टिंग रिइंफोर्समेंट। तीन टाइप है, तीन प्रोसेस है, स्पेलिंग, इक्विलिब्रियम, बस्टिंग। ठीक है, अपना छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ स्लम्प कॉन्क्रीट का जो टाइप्स ऑफ स्लम्प होता है वो ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। ये हो गया अपना तीन टाइप का स्लम्प, क्या क्या होता है, ट्रू स्लम्प, शियर स्लम्प, कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, अभी छठा क्वेश्चन जान लेते हैं गाइस। हाउ डू यू मीन बाय मेजर कंक्रीट, कंक्रीट को आप कौन कौन सी यूनिट के इसमें बोल सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक फीट, क्यूबिक यार्ड में कर सकते हैं, क्यूबिक मीटर में कर सकते हैं, जनरली हम लोग क्यूबिक मीटर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, अभी आता है अपना एट क्वेश्चन, व्हाट इज हनी कॉम्बिंग। अभी हनी कॉम्बिंग क्या है, जो आप देखते रहेंगे वीडियोस में या साइट पे गाइस जहाँ पे थोड़ा सा वॉइड आ जाता है कंक्रीट कास्टिंग के टाइम या थोड़ा सा खड़ी दिखने लगता है, कैविटी फॉर्म हो जाता है, ओके वॉइड आता है, तो वो होता है हनी कॉम्ब। उसको बाद में पैच करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, वो होता है हनी कॉम्बिंग। ओके, अपना 10th क्वेश्चन क्या है गाइस कि ग्राउटिंग क्या होता है। ठीक है, कहीं होल छूट गया, कहीं आपका टायरॉड का होल हो गया या कोई भी होल हो गया, तो उसको जो कंक्रीट फील होता है, जो फ्लूइड उसको फील करते हैं उसी को करते हैं ग्राउटिंग।
ठीक है, जैसे GP2 है, अभी टायर आउट का होल है उसके अंदर GP2 फिल करते हैं फ्लूड बना के, एकदम पतला माल बना के, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं गाइस। तो ये अपना टॉप 10 क्वेश्चन था इंटरव्यू के लिए। बी प्रिपेयर गाइस, बी प्रिपेयर, वैकेंसीज आ रही हैं और इंटरव्यू को क्रैक कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्रैक कीजिए इंटरव्यू को, डरिए नहीं, बिंदास क्रैक कीजिए। ओके, चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन अवेलेबल है, और भी चैनल पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है, वहाँ भी इंटरव्यू क्वेश्चन अवेलेबल है, सारे देखिए। ठीक है, जो आप जो पोस्ट में जा रहे हैं, साइट इंजीनियर पे जा रहे हैं, क्वालिटी इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, तो वो हिसाब से इंटरव्यू क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए और क्रैक कीजिए इंटरव्यू को। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यूज गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।